हरियाणा के मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के संबंध में प्रदेश के अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां पर हर व्यक्ति के विकास के लिए परिवार पहचान पत्र योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का आर्थिक विकास हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए परिवार पहचान पत्र एक मील पत्थर साबित होगा। अतिरिक्त उपायुक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य लोगों पर शासन करना नहीं बल्कि अंत्योदय है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का सपना पूरा करने के लिए 25 दिसंबर 2014 को हमारी सरकार ने CM विंडो की शुरुआत की थी ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता आए। जमीन के ई रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी इसी का हिस्सा है। लोगों की हर समस्या का समाधान घर बैठे ही हो, ऐसी सोच के साथ इस व्यवस्था को लागू किया गया था। COVID-19 के दौरान हमारी पहले से लागू की गई यह व्यवस्था सही साबित हुई। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।